Welcome to Indian Blogs. Today's recipe is आलू का चोखा. लिट्टी चोखा बिहार की बहुत ही फेमस डिश है और उसमें से जो आलू का चोखा होता है उसकी रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी. तो इसके लिए हमें चाहिए आलू करीबन 5 से 6, बैंगन 1, टमाटर 1 से 2 पके हुए, धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वाद अनुसार या आधा चम्मच, काला नमक आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, सरसों का तेल 1 से 1.5 चम्मच. अब सबसे पहले ये जो बैंगन है हम इसे काट कर चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा ना हो. अब इसे ऑयल से पॉलिश करके हम गैस पे रख देंगे धीमी आंच पे. इसी तरह से टमाटर को भी हम पॉलिश करके धीमी आंच पे रख देंगे. जब ये एक तरफ से पक जाए तो इसे पलट देंगे. इसी तरह से जब ये दोनों तरफ से पक जाए तो हम इसे गैस से हटा देंगे और इसे छील लेंगे. अच्छी तरह से छील लेते हैं. इस तरह से. और अब ये जो डंठल है इसे काट कर रिमूव कर दें. ये सब हमने एक जगह रख दिया. अब इसमें हम आलू जो हमने रखे थे वो छील कर डाल देंगे. 5 से 6 आलू इसमें ऐड कर दें. तो हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं. अब हरी मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और सरसों का तेल. अब इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं. तो हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है. आलू का चोखा बनकर तैयार है. आप इसे लिट्टी के साथ या सत्तू का पराठा के साथ सर्व करें. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल. डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.